गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज अपने गणित का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक नंबर सिस्टम और हिंदी में कहें तो उसको संख्या पद्धति। देखिएगा बच्चों, इस नंबर सिस्टम का प्रयोग गणित के प्रत्येक टॉपिक में होता है। संख्याओं पर आधारित जितने भी प्रोसेस हैं वो हमें पता होनी चाहिए। हमें ये पता होना चाहिए कि गणित में कौन कौन सी संख्या होती हैं और उनमें कौन कौन सी वास्तव में गणितीय संख्या विद्यमान होती है। मैं बात करूं गणितीय संख्याओं में, संख्या पद्धति में सबसे जो महत्वपूर्ण संख्या होती है वो सेमी सर्कल। हम प्रत्येक गणितीय अंक को सेमी सर्कल संख्या कह सकते हैं। सेमी सर्कल संख्याओं को हम दो भागों में पढ़ेंगे, एक तो होगा वास्तविक संख्या, दूसरा होगा काल्पनिक संख्या। फिर वास्तविक संख्या को भी हम इसी प्रकार से दो भागों में अलग अलग डिवाइड करेंगे, एक तो होगी परिमेय संख्या, एक होगी अपरिमेय संख्या। फिर इस परिमेय संख्या को भी हम दो भागों में डिवाइड करेंगे, एक साइड में लिखेंगे अपने भिन्न, दूसरी साइड में लिखेंगे पूर्णांक। फिर पूर्णांक संख्या भी हम दो भागों में डिवाइड करेंगे, एक साइड में लिखेंगे ऋणात्मक संख्या, एक साइड में लिखेंगे पूर्ण संख्या। फिर पूर्ण संख्याओं को भी दो भागों में डिवाइड करेंगे, एक साइड में लिखेंगे शून्य, दूसरी तरफ लिखेंगे प्राकृत संख्या, या इन्हीं का दूसरा नाम होता है प्राकृतिक संख्या, या इन्हीं को कह सकता है धनात्मक संख्या। देखिएगा स्टूडेंट, गणित के अंदर जितनी भी संख्याएं हैं वो यही है। इनके अलावा हमें संख्या नाम जरूर मिलते हैं। जैसे हम संख्याओं की बात करें, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, परवर्ती संख्या, पूर्ववर्ती संख्या, ये जो संख्याएं, ये ऐसी संख्याएं हैं जो नियम पर आधारित होती हैं। और ये जो संख्याएं, ये फिक्स संख्याएं हैं, रटने वाली संख्या है। लेकिन इन संख्याओं को अगर हम इसी डायग्राम के अकॉर्डिंग याद रखेंगे तो अपने याद रखने में बिल्कुल आसानी रहेगी। देखिएगा एक कंडीशन तो मैं बताऊं कि सेमी सर्कल संख्या के नीचे जितने भी संख्या हैं उन सभी संख्याओं को हम सेमी सर्कल संख्या कह सकते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि सभी वास्तविक संख्या सेमी सर्कल संख्या होती है। हम कह सकते हैं कि सभी काल्पनिक संख्या सेमी सर्कल संख्या होती है। इसी प्रकार वास्तविक संख्या के नीचे भी जितनी संख्या है उन सभी संख्याओं को हम वास्तविक संख्या भी कह सकते हैं। हम कह सकते हैं कि सभी परिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है। हम कह सकते हैं कि सभी पूर्णांक संख्या वास्तविक संख्या होती है। हम कह सकते हैं कि सभी प्राकृत संख्या, सभी ऋणात्मक संख्या, सभी पूर्ण संख्या वास्तविक संख्या होती है। यानी प्रत्येक नियम अगर देखें तो कह सकते हैं कि प्रत्येक नीचे वाली जो संख्या है वो सदैव अपने से ऊपर वाली संख्या में हमेशा मौजूद रहेगी। लेकिन ऊपर वाली सभी संख्या नीचे वाली सभी संख्या में विद्यमान नहीं होती है। अब देखिएगा तुम्हारे इस डायग्राम के आधार पर ही डायरेक्ट प्रश्न पूछ लिया जाता है। और प्रश्न इस प्रकार से अपने से पूछे कि बताइए निम्न में से सत्य कथन होगा। और एक नंबर में ऑप्शन में जैसे संख्या लिखा हूं, आपसे पूछे कि सभी परिमेय संख्या पूर्णांक संख्या होती है। आपसे पूछे कि सभी पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या होती है। तीन नंबर ऑप्शन में लिख दिया मैंने कि सभी पूर्णांक संख्या परिमेय संख्या होती है। और चार नंबर में लिख दिया मैंने कि सभी वास्तविक संख्या परिमेय संख्या होती है। देखिएगा स्टूडेंट, जो मैंने कंडीशन बताई है उसके आधार पर हम इसका आंसर दे सकते हैं। इस प्रकार से काफी संख्याओं में जो संबंध है वो रटना पॉसिबल नहीं होता है, लेकिन मात्र इस डायग्राम के आधार पर हमें इस प्रकार के सभी प्रश्नों का आंसर दे सकते हैं। यहाँ से आपसे सत्य की कंडीशन में पूछ सकता है, असत्य की भी कंडीशन पूछ सकता है। हम ऑप्शन देखेंगे तो पहले ऑप्शन में इसने लिख दिया कि सभी परिमेय संख्या पूर्णांक संख्या होती है। यानी हमसे क्या प्रदर्शित करवाना था, ये कह रहा है कि ये जो सभी परिमेय संख्या है ये पूर्णांक संख्याओं में विद्यमान होती है। इसके कहने का तात्पर्य क्या है कि ऊपर वाली सभी संख्याओं को नीचे वाली संख्याओं में शामिल कर रहा है।
लेकिन हमने इससे जस्ट पहले क्या कहा था कि प्रत्येक नीचे वाली पुण्य से ऊपर वाली में हमेशा मौजूद रहेगी, लेकिन ऊपर वाली सभी संख्या नीचे वाली में मौजूद नहीं होंगी। तो हम कह सकते हैं कि सभी परिमेय संख्या पूर्णांक संख्या नहीं होती है। उसी प्रकार से अगले में देखेंगे, कह रहा कि सभी पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या होती है। तो सभी पूर्णांक संख्या अगर देखेंगे तो पूर्णांक फिर से ऊपर वाली संख्या ही नीचे वाली में प्रदर्शित करना चाह रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर भी पूर्णांक यानी सभी पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या नहीं होगी। लेकिन तीसरा अगर हम ऑप्शन देखें तो इसमें कह रहा है कि सभी पूर्णांक संख्या परिमेय संख्या होती है। तो ये जो सभी पूर्णांक संख्या है अब की बार कौन सी संख्या में कह रहा है, परिमेय संख्या में। तो हम आसानी से कह सकते हैं कि जो सभी पूर्णांक संख्या होंगी वो कौन सी संख्या का उदाहरण होंगी, परिमेय संख्या का। नीचे वाले ने इसने चार नंबर ऑप्शन में लिख दिया कि सभी वास्तविक संख्या कौन सी संख्या होती है, परिमेय संख्या। तो फिर से वही कंडीशन आ गई कि ऊपर वाली सभी संख्याएं नीचे वाले ने बता रहा है, तो ये कथन भी इसका असत्य हो जाएगा। तो यहाँ पर सत्य कथन कौन सा हो जाएगा, चार नंबर हो जाएगा। अगर इसी प्रकार से हम डायग्राम के अकॉर्डिंग इसको पढ़ेंगे या याद करेंगे तो इस प्रकार के जितने भी प्रश्न होंगे आसानी से हम आंसर दे सकते हैं। हमें एक ही चीज का ध्यान रखना है कि प्रत्येक नीचे वाली संख्या अपने से ऊपर वाली संख्या में हमेशा मौजूद होती है। अब देखिएगा स्टूडेंट, हम इन संख्याओं के अंदर अलग अलग संख्या पढ़ते हैं। हम शुरुआत करते हैं शून्य से, तो शून्य में तो एकमात्र संख्या आपको पता ही है, शून्य शामिल होती है। उसके बाद में दूसरी जो संख्या हमने पढ़ी है वो है प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या आपको पता ही होगा हमेशा कहां से प्रारंभ होंगी, एक से प्रारंभ होकर आगे अनंत तक चलती है। उसके बाद में आगे की जो संख्या है वो इस डायग्राम से आप प्राप्त कर सकते हो। इन संख्याओं को आपको रटने की आवश्यकता नहीं है। अब मैं बात करूं अगली संख्या अपनी पूर्ण संख्या, और पूर्ण संख्या को हमने दो भागों में डिवाइड किया था, एक तो शून्य और एक प्राकृत संख्या। अब अगर इन दोनों संख्याओं को हम एक जगह इकट्ठा कर लेंगे तो हमें कौन सी संख्या प्राप्त हो जाएगी, पूर्ण संख्या। यानी पूर्ण संख्या के बराबर हम लिख सकते हैं कि शून्य प्लस ए प्राकृत संख्या। अब वास्तविक गणितीय संख्या अगर लिखना चाहें तो शून्य लिख दिया, इसके आगे प्राकृत संख्या लिख देंगे, जीरो एक दो तीन और एक आगे अनंत तक। तो ध्यान में ये रखना, प्राकृत संख्या एक से प्रारंभ होंगी, पूर्ण संख्या जीरो से प्रारंभ होंगी। उसके बाद में देखिएगा अगली संख्या अपने पास है ऋणात्मक संख्या। और ऋणात्मक संख्याओं की अगर मैं बात करूं, जैसे मैंने नंबर लिख दिया एक दो तीन चार और आगे अनंत तक, ये जो सभी संख्या यानी संख्याओं के आगे अगर कोई चिन्ह नहीं होता है तो वो सभी संख्या धनात्मक मानी जाती है, यानी प्लस की मानी जाती है। लेकिन इन सभी प्लस वाली संख्याओं का अगर चिन्ह बदलकर हम माइनस का कर देते हैं तो यही दो संख्या कौन सी संख्या हो जाती है, ऋणात्मक संख्या हो जाती है। उसके बाद में हमने अगली संख्या पर देखनी है पूर्णांक संख्या, और पूर्णांक संख्याओं को देखिएगा हमने दो भागों में डिवाइड किया था, एक साइड में तो हमने लिखा था ऋणात्मक संख्या और एक साइड में हमने लिखा था पूर्ण संख्या। तो इस प्रकार से लिखते हैं डायग्राम के अकॉर्डिंग, और वास्तव में अगर हम संख्या लिखना चाहेंगे तो एक साइड में पूर्ण संख्या लिख देंगे, एक साइड में ऋणात्मक संख्या लिख देंगे। पूर्ण संख्याओं की अगर मैं बात करूंगा तो वही जीरो एक दो तीन चार होगी अनंत तक। उसके बाद में ऋणात्मक संख्या लिख देंगे माइनस एक माइनस दो माइनस तीन और माइनस के अनंत तक। ये कौन सी संख्या हो जाएंगे अपने पास, पूर्णांक संख्या हो जाएंगी। उसके बाद में अपन बात करते हैं भिन्न की। देखिएगा भिन्न की अपन बात करें तो भिन्न हम सामान्य जानते हैं कि भिन्न का जो रूप माना जाता है वो अंश बटा हर होते हैं। हम इसी को अंश बटा हर कहते हैं, इसका मानक रूप होता है पी बटा क्यों, और साथ में कंडीशन ही होती है कि क्यू नॉट इज इक्वल टू जीरो। अब ये अगर कोई यानी किसी भी भिन्न में हर का जो मान है वो किसके इक्वल नहीं होगा, जीरो के इक्वल नहीं होगा। सबसे पहले तो हम भिन्न की अगर डेफिनेशन की बात करें तो मैं कह सकता हूं कि यहां पर कि वे सभी धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक का अर्थ है सिर्फ प्लस वाली संख्या जिन्हें कौन से रूप में अंश बटा हर बोलते हैं या पी बटा क्यों, और ये कंडीशन होगी तो ध्यान हमें रखना है कि किसी भी मन में हर का मान जीरो के बराबर नहीं होगा। यानी वे सभी धनात्मक पूर्णांक जिन्हें पी बटा क्यों यानी अंश बटा हर के रूप में लिख दें तो किसका उदाहरण होगा, भिन्न का उदाहरण होगा। इसमें अगर उदाहरण में हम संख्या लिखे, जैसे लिख दिया मैंने 22/7 चार बटा ग्यारह जीरो दशमलव पांच तीन से एक बटा चार और नौ। देखिएगा हम संख्याओं को अगर अंश बटा हर के रूप में लिख सकते हैं तभी वो भिन्न के उदाहरण है। पहले से अंश बटा हर के रूप में लिख के दे रखा हो गया आवश्यक नहीं होता है। जैसे ये अंश बटा हर के रूप में है, ये भी अंश बटा हर के रूप में है। अब ये तो हमें पता है मिश्र भिन्न का उदाहरण है, लेकिन अंश बटा हर के रूप में वास्तव में इसने कन्वर्ट करके नहीं देखा, तो इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं। ये 9 है, इसके बटा में कोई संख्या नहीं है, तो हम कितना मान सकते हैं,
एक मान सकते हैं। तो ये भी अंश बटा हर में हो गया, इसमें दशमलव दे रखा है तो इसका भी हम दशमलव हटा के और इसको लिख देंगे 5/10, यानी ये भी अंश बटा हर हो गया। ये मिश्र बिन है, साधारण बिन में चेंज कर देंगे 300 का 12 और कितना हो जाएगा 13/4 हो जाएगा। तो बिन में पहले से ही अंश बटा हर के रूप में लिख के दे रखा, ये आवश्यक नहीं होता है। हाँ, उसको अगर हम अंश बटा हर के रूप में लिख सकते हैं तो भिन्न का उदाहरण होती है, उसके बाद में देखिएगा। अगली संख्या पढ़ने अपन त्रिमेय संख्या। देखिएगा स्टूडेंट, प्रत्येक एग्जाम में डायरेक्ट अगर संख्याओं से संबंधित कोई प्रश्न पूछे जाना वाला है तो वो संख्या अपने पास परिमेय और अप्रिमेय है, दोनों काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट संख्या है। बाकी जितनी संख्या हमने पढ़ी है, देखिएगा नंबर सिस्टम में 4 ही संख्या ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है जो वास्तव में जहां पर संख्याओं पर आधारित प्रश्न आते हैं। वो कौन कौन सी संख्या है? एक तो परिमेय, एक अप्रिमेय, उसके बाद में आगे अपन संख्या पढ़ेंगे भाज्य और अभाज्य। ये जो संख्या है अगर डायरेक्ट संख्याओं से कोई प्रश्न आने की संभावना होती है तो इन चारों संख्याओं में से आती है। अब देखिएगा इन चारों में से अपन पहली संख्या देखते हैं, परिमेय संख्या। अब परिमेय संख्या की मैं बात करूं तो इसको मैं 3 अलग अलग भागों में आपको बता रहा हूं। देखिएगा परिमेय संख्या के हमने 2 पार्ट किए थे और परिमेय संख्या के 2 पार्ट में हमने एक साइड में तो लिखा था भिन्न और दूसरी साइड में लिखा था पूर्णांक। एक तो हमें यह बताना चाहिए कि परिमेय संख्या और भिन्न के अंदर डिफरेंस क्या होता है। देखिएगा परिमेय संख्या यानी भिन्न की जब हमने परिभाषा लिखी तो उसमें लिखा कि वे सभी धनात्मक पूर्णांक यानी सिर्फ प्लस वाली ही संख्या जिन्हें कौन से रूप में व्यक्त किया जा सके, अंश बटा हर के रूप में व्यक्त किया जा सके, वही भिन्न के उदाहरण थे। लेकिन परिमेय संख्या की अगर मैं पहला जो नियम है वो अगर लिखेंगे तो वो भिन्न पर ही आधारित है, लेकिन यहाँ पर हमें कंडीशन ये लिखनी कि वे सभी पूर्णांक, और सभी पूर्णांक नाम आते ही आपको समझ में आना चाहिए कि प्लस वाली संख्या भी और माइनस वाली संख्या भी, जिन्हें वही कंडीशन यानी कि अंश बटा हर या लिख दे पी बटा क्यू और क्यू नॉट इज इक्वल टू 0 अगर इस रूप में व्यक्त कर सकते हैं तो किसका उदाहरण होगी? परिमेय संख्या का उदाहरण होगी। दो नंबर कंडीशन में मैं लिख रहा हूं कि वे संख्या जिनका दशमलव प्रसार शांत प्रकृति का। अब देखिएगा वास्तव में दशमलव जो प्रसार है वो 2 ही प्रकृति के होते हैं, एक तो शांत और एक अशांत। लेकिन देखिएगा अशांत के 2 पार्ट होते हैं। अब अशांत में एक तो कंडीशन होती है आवृत्ति की और एक होती है अशांत में अनावृत्ति की। दशमलव प्रसार शांत कौन सा होता है, अशांत कौन सा होता है, और फिर अशांत में भी आवर्ती और अनावर्ती, देखिएगा एक बार समझ लीजिए। जैसे मैंने संख्या लिख दी 0.456, 1.025, एक संख्या लिख दी मैंने 3.666 इस प्रकार से, और एक संख्या लिख दी मैंने 3.142857 इस प्रकार से। अब यहां पर हम देखें कि इनमें दशमलव प्रसार शांत कौन सा है और अशांत कौन सा है। पहले तो हमें शांत और अशांत की पहचान करनी है। अब दशमलव के बाद में अगर हम संख्याओं को गिन के बबता सकते हैं कि भाई दशमलव के बाद में इसमें 3 संख्या, इसमें 4 संख्या, इसमें 5 संख्या है, तब तो वो जो दशमलव प्रसार कौन सा होगा, शांत होगा। और दशमलव के बाद में अगर संख्याओं को गिन के नहीं बता सकते तो हम कह सकते हैं कि वो दशमलव प्रसार अशांत होगा। अब इस पद की अगर मैं बात करूं तो मैं कह सकता हूं इसमें दशमलव के बाद में 3 ही संख्या है, इसमें अगर मैं बात करूं 3 संख्या है, जैसे आगे एक संख्या और लिख देता हूं हम गिन सकते हैं कि इसमें 4 ही संख्या है। लेकिन नीचे वाले जो दोनों पद हैं इनमें हम नहीं बता सकते कि दशमलव के बाद में वास्तव में कितनी संख्याएं हैं। हम देखेंगे यहां पर मैंने संख्या 3 जरूर लिख रखी है लेकिन इसके आगे डैश डैश का चिन्ह रखा है, तो इसका अर्थ क्या होगा कि यहां पर हम आगे 6 को आगे कितने भी बार लिख सकते हैं। लेकिन नीचे वाले पद में देखेंगे तो यहां पर भी इसने आगे डैश डैश का चिन्ह लगा रखा है, तो यहां पर भी हम कह सकते हैं कि आगे कितनी संख्या हम नहीं गिन के बता सकते। तो जिनमें दशमलव के बाद में संख्याओं को अगर हम गिन के नहीं बता सकते तब वो दशमलव प्रसार क्या माना जाएगा, अशांत। दशमलव के बाद में संख्याओं को गिन सकते हैं तो दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत। नहीं गिन सकते तो क्या होगा, अशांत। अगर अशांत के भी मैंने आपको 2 रूप बताए हैं, एक तो अशांत में क्या होगी, आवर्ती होगी, और एक अशांत में क्या होगी, अनावर्ती। अशांत में आवर्ती और अनावर्ती का अर्थ क्या होगा, वो हम दशमलव के बाद में संख्याओं को देखकर ही बता सकते हैं।
अब यहां पर अगर इस पद में अगर मैं देखूंगा तो दशमलव के बाद में तीन दशमलव अच्छा इस प्रकार से, यानी यहां पर एक ही अंक बार बार रिपीट हो रहा है, यानी एक अंक की पुनरावृत्ति हो रही है। तो यहां पर हम ये कह सकते हैं कि ये जो दशमलव प्रसार है ये दशमलव में एहसान आवृत्ति का है। लेकिन नीचे वाले में अगर देखें तो यहाँ पर प्रत्येक बार हमें नई नई संख्या प्राप्त होंगी, यानी यहाँ पर कोई भी संख्या रिपीट होकर नहीं आ रही है बार बार, तो हम कह सकते हैं कि ये जो प्रसार ये एहसान्ते अनावर्ति का होगा। और मैं देखिएगा प्रिमेय संख्या की अगर बात करें तो प्रिमेय संख्या में वास्तव में जो दशमलव प्रसार या तो शांत होना चाहिए या अशांत है, तो अंकों की क्या होनी चाहिए? आवृत्ति होनी चाहिए, तभी वो कौन सी संख्या का उदाहरण होगी? प्रिमेय संख्या का उदाहरण होगी। इससे पहले हमने स्वयं भिन्नवाड़ा नियम बताया था जिन्हें p बटा q के रूप में लिख दें और कंडीशन ये कि q नॉट इज इक्वल टू 0। देखिएगा प्रिमेय संख्या के अगर मैं उदाहरण की बात करूं तो इनमें आपको एक सबसे अच्छा उदाहरण ध्यान में रखना है 22/7, क्योंकि हम 22/7 है जो पाई का मान मानते हैं। ये पाई का अपन मान मान के चलते हैं, हमने सुविधा के लिए लिया गया मान होता है, ये पाई का शुद्ध और वास्तविक मान नहीं होता है। अब 22/7 ये अंश बटा हर के रूप में लिखा हुआ है, इसलिए ये कौन सी संख्या का उदाहरण हो जाएगा? परिमेय संख्या का उदाहरण हो जाएगा। अब शांत प्रकृति वालों की मैं बात करूं तो लिख दिया 1.08 3.146 लिख दिया, ये संख्या प्लस की भी हो सकती है और माइनस की भी हो सकती है। उसके बाद में अशांत आवृत्ति वाली संख्याओं की मैं बात करूं तो लिख दिया 1.333 इस प्रकार से, फिर लिख दिया मैंने 0.666 इस प्रकार से, फिर लिख दिया 0.121212 इस प्रकार से, लिख दिया 4.3666 इस प्रकार से। अब देखिएगा इन्हीं संख्याओं को आप छोटे रूप में भी व्यक्त कर सकते हो। जो संख्या हमने अशांत आवृत्ति वाली लिखी है इसको अगर मैं छोटे रूप में लिखना चाहूँ तो मैं कह सकता हूँ कि 1., अब यहाँ पर 3 बार बार आ रहा है तो 3 के ऊपर हम बार का चिन्ह लगा सकते हैं, यहाँ पर 6 बार बार आ रहा है तो हम इसको लिख सकते हैं 0.6 और इसका बार, यहाँ पर 1-2 बार बार आ रहा है तो हम लिख सकते हैं 0.12 इसका बार। नीचे वाले में देखेंगे ये 4.3 और यहाँ पर बार बार कौन आ रहा है? 6 आ रहा है, तो हम 6 के ऊपर बार का चिन्ह लगा सकते हैं। तो हम दूसरी चीज ये भी कह सकते हैं कि जिन संख्याओं के ऊपर बार का चिन्ह होता है वो सभी संख्या भी परिमेय संख्या के उदाहरण होती हैं। उसके बाद में नेक्स्ट वीडियो में अपन पढ़ेंगे कि इन संख्याओं के बार किस प्रकार से हटाए जाते हैं, जो अपने काफी मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है। कई बच्चों की ज्यादातर समस्या ऐसी में रहती है कि हम बार किस प्रकार से हटाएं। तो आज के लिए इतना ही है, बाकी तो हम नेक्स्ट क्लास के अंदर करते हैं।